हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। लोगों के दिमाग में यश का खुमार कुछ इस कदर चढ़ा हुआ है कि फिल्म अपने दूसरे हफ्ते भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। हाल ही में साउथ के सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म की सक्सेस पर बात की। इसके साथ ही मीडिया को अपनी अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 पर भी खुलकर बात की। एक्टर ने बताया कि फिल्म का तीसरा पार्ट KGF 1 और KGF 2 से भी ज्यादा धमाकेदार होगा। अब ये कैसे? तो उन्होंने बताया कि रॉकी की जिंदगी और इसकी कहानी में भी बहुत कुछ है जो तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। मैंने और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने तीसरे पार्ट के लिए काफ़ी कुछ सोचा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चैप्टर 2 में नहीं दिखा पाए और अब उन्हें चैप्टर 3 में क्रिएट करने वाले हैं। हालांकि ये सिर्फ एक रफ आइडिया है। यश ने बताया कि प्रशांत नील ने पहले इस फिल्म की कहानी को केवल एक पार्ट में बनाने के लिए सोचा था, लेकिन बीच प्रोडक्शन में प्रशांत ने इसे दो हिस्सों में तोड़ने का फैसला किया। प्रोडक्शन के दौरान प्रशांत को इस बात का एहसास हो गया कि एक और पार्ट इसमें बन सकता है और हमने कई सीन्स को जल्दबाजी में समेटा है, जिसकी वजह से फिल्म का इमोशनल एंगल कमजोर पड़ा, इसलिए इसे एक और पार्ट में बांटा जा सकता है। फ्यूचर में अपने दूसरे वीक में केजीएफ चैप्टर 2 इंटरनेशनल लेवल पर 900 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है, 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं देखा जाए तो दंगल, जिसने कलेक्शन किया था 2024 करोड़ का, बाहुबली द कंक्लूजन 1800 करोड़, RRR 1100 करोड़। तो सभी के दिमाग में चल रहा है कि 1100 करोड़ RRR का जो कलेक्शन है वो केजीएफ चैप्टर 2 बहुत ही इजीली तरीके से तोड़ सकती है। हालांकि अभी और कितने दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि 1100 करोड़ कितने दिनों में टूट सकता है? और क्या सच में आपको पार्ट 3 देखना है? क्या रॉकी भाई की जिंदगी और उनकी कहानी देखनी है आपको? कितने एक्साइटेड हैं आप लोग फिल्म के थर्ड पार्ट के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।